हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। जैसे कि आप सबको पता ही है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट है, लोहड़ी है, उसके बाद मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति पे खाई जाती है खिचड़ी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी, वेजिटेबल विद मसाला खिचड़ी। तो रेसिपी को एंजॉय करिए। तो इसके लिए मैंने लिए है एक कटोरी मूंग की दाल और एक कटोरी लिया था राइस। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। आप दाल कोई सी भी इसके अंदर ले सकते हैं। मैंने मूंग धुली ली है, आप मूंग छिलके वाली या फिर उड़द की दाल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आज हम बनाएंगे कुकर में। तो इसके लिए मैंने रख दिया है कुकर और इसके अंदर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी, क्योंकि खिचड़ी का असली मज़ा तो घी से ही आता है। तो घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी बनके तैयार होती है, संक्रांति पे बनाई जाती है। तो नॉर्मली खिचड़ी सबको पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मसाला खिचड़ी बनाई जाए, वो भी वेजिटेबल के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी। तो इसके साथ साथ मैंने डाल दिया है इसमें राई और साथ ही डाल दिया है जीरा, और ये चटक जाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अनियन। अनियन को मैंने स्लाइस में कट किया है, और साथ ही मैंने ली है इसके साथ खूब सारी वेजेस। वेजेस आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आलू, बीन्स, मटर, गाजर, जो भी हो आपके पास वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 लाल मिर्च भी डाल दी है सूखी, और थोड़ी सी डाल दी थी हींग। हींग से बहुत टेस्टी लगती है ये, और डाइजेशन में भी अच्छा होता है हींग, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है अनियन, और अनियन को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कितनी सारी मैंने वेजिटेबल इसके अंदर डाली हैं, मटर है, बीन्स है, आलू है, गाजर है। जो आपको वेजिटेबल यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल के बिना बनाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, टेस्ट बिल्कुल लाजवाब आने वाला है। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दाल और चावल को भिगो के रखा था। अगर आप भिगो के रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भिगोएं जल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे क्या होता है कि जो हमारी खिचड़ी है थोड़ी हल्की होती है डाइजेस्ट करने में, और जल्दी से कुक भी हो जाती है। इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो। और टमाटो के साथ साथ हम डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा गरम मसाला, और 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार होती है, इस मेथड से एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और अच्छे से कर लिया है इसको मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें उतना डालना है जितना हमने चावल और दाल की क्वांटिटी ली थी। तो अगर आपने 2 कटोरी क्वांटिटी ली है, मीन्स 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, तो इसका 3 गुना पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है। मिक्स 6 कटोरी पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने 1 कटोरी चावल लिया था और 1 कटोरी दाल। तो 6 कटोरी पानी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम लगा लेंगे व्हिसल, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, कितना बढ़िया इसका कलर अभी से आ गया है। और जब ये बन के रेडी होगी, अभी से मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना बनता है, इस मकर संक्रांति ज़रूर ट्राई करेगा। ये मिक्स कर दिया है, अब इसके बाद इसकी लगा देंगे लीड और इसको 4 से 5 मिसल दे लेंगे। और 4 से 5 मिसल बाद रेडी है हमारी खिचड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। बिल्कुल जितना हमें पानी चाहिए था उतना ही पानी की इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ी। देखिए बहुत बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हुई है। अब इसको हम सर्व करेंगे, और सर्व करते हुए हम इसके अंदर डालेंगे तड़का, जिसके अंदर मैंने लिया है घी। घी को गर्म करके उसमें डाला है जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च, ऊपर से डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है तड़के वाली खिचड़ी, इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया ये खिचड़ी बनके तैयार हुई है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।